उत्तरी बाहरी जिले के बलसवा डेयरी थाना इलाके में अवैध नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर आए दिन इलाके में झगड़े फसाद होते रहते हैं। बीती रात भी नशे का कारोबार करने वाले कुछ लोगों ने शिकायतकर्ता की पिटाई कर दी, जिसमें शिकायतकर्ता को गंभीर चोटें आई हैं। शिकायतकर्ता का नाम मनीष है। वो पहले भी कई बार पुलिस से अवैध नशे के कारोबार की शिकायत कर चुका है। पुलिस ने इस पर एक बार भी एक्शन नहीं लिया, जिसके बावजूद नशे का कारोबार करने वाले लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। बलसवा डेयरी थाना इलाके में शिकायतकर्ता मनीष अपने प्लॉट पर काम कर रहा था। उसके प्लॉट के पास इलाके में नशे का कारोबार करने वाले लोग गांजा और स्मैक बेच रहे थे। उसने इनका विरोध किया और वहां से भगा दिया। कुछ देर बाद आरोपी गोलू और रवि अपने पिता के साथ कई लोगों को वापस वहां पर पहुंचा। उन्होंने आते ही अकेले शिकायतकर्ता को घेर लिया और उसके साथ ईंट और लोहे की छड़ से मारपीट करनी शुरू कर दी। शिकायतकर्ता के सिर पर गंभीर चोट आई और आनन फानन में जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसका इलाज कर सिर पर टांके लगाए और अस्पताल से छुट्टी दे दी। शिकायतकर्ता मनीष का आरोप है कि वो अपनी फैमिली के नाम से एक NGO चलाता है, जिसके नाम पर उसने कई बार इलाके में अवैध नशाखोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हुई है, लेकिन पुलिस ने एक बार भी उस पर एक्शन नहीं लिया। यदि पुलिस समय पर एक्शन लेती तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। शिकायतकर्ता का आरोप है कि घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण इलाके में नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं निगम पार्षद मुकंदर वार्ड नंबर 11 झांगरपुरी। अजय जी, ये जो वाकया हुआ है, ये जो हादसा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुकंदपुर के अंदर आए दिन पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट आती रही है, गांजा बिकने की, चर्च बिकने की, FM बिकने की, तो बहुत सारे केस आए हैं। पर भड़सवा थाना इस चीज़ को संभाल नहीं पा रहा है। और महिला सुरक्षा की बात करी जाए तो महिला सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। इस इंसान ने उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाया। आज हमारे नए नए युवा नशे में धुत हुए पड़े हैं, कोई अफीम का नशा कर रहा है, कोई चर्च का नशा कर रहा है, तो आज मतलब युवा बिल्कुल बेकार हो गया और पुलिस इस पे लगाम कस नहीं पा रही है। जैसे कि आपने बात करी है वार्ड नंबर 11 के और मुकंदपुर की, आप वहाँ के काउंसलर हैं, क्या कभी आपने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है और किस तरह की आपने आवाज़ उठाई है और क्या क्या कदम उठाए इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में हमने कई दफ़ा पुलिस वालों को कहा है कि गली गली में दारू बिक रही है, नशा बिक रहा है, पर पुलिस के कानों पर जूनी रेंगती है। और कई दफ़ा इसकी कंप्लेंट भी हम लोगों ने करी है, बड़सवा के अंदर भी करी है। अभी 1-2 दिन में हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने भी जा रहे हैं, पब्लिक के लिए जाएंगे और वहाँ पे घराए भी करेंगे, जो भी हो सकता है पुलिस के खिलाफ हम करेंगे। अजय जी, जैसे आपने बताया कि हमने कई बार कंप्लेंट करी, तो इसके दौरान पुलिस का क्या रवैया रहा है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, पुलिस को सब पता है कौन सी जगह दारू बिक रही है, कौन सी जगह नशा हो रहा है और कौन सी जगह क्या काम हो रहा है। पुलिस को सब चीज़ का पता है। पुलिस की आंखों के नीचे, पुलिस के थाने के नजदीक नजदीक इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, पर पुलिस को इस बारे में कोई परवाह नहीं है। अजय जी, आपकी बाइट के दौरान मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, इस भाई की तरफ कैमरा करेंगे और इनका सर भी दिखाएंगे, किस तरीके से इनके जो है चोट लगी है। इस रवैये का पुलिस ने क्या एक्शन लिया और अभी तक क्या पुलिस की प्रक्रिया है, ये भी हम जानना चाहेंगे। 2 घंटे से ज्यादा हो गए इस भाई को 100 नंबर कॉल करे हुए, पुलिस वालों को फोन करे हुए, पर अभी भी थाने से इसके पास कोई नहीं आया। और पुलिस व्यवस्था 0 है, कानून व्यवस्था 0 है। अगर पुलिस सुधर जाए और समझ जाए तो हमारे एरिया के अंदर गांजा दारू नशा बिक ही नहीं सकता। अनीता जी, क्या हुआ था जी? मैम, तो मैं हमारे तो बाद में फोन आया था जी, पीटा पिटाई होगी मेरे बच्चे की, जब फोन किसी ने पड़ोसी ने करा था फोन हमारे से, हम तो भागे भागे आंड रहे थे अकेले का। ये जो पिटाई हुई थी किस बात को लेकर हुई थी, ये बताएं? ये कोई नहीं पता, हमारी को लड़का अकेला था, हमारा कोई नहीं था परिवार का वहाँ। जैसा आपके लड़के ने बताया कि यहाँ पर गांजे और स्मैक का काम होता है, हाँ, तो आपने कितनी बार पुलिस को कम्प्लेंट करी और कितना एक्शन पुलिस की तरफ से अभी तक हुआ है? उस लड़के के खिलाफ काफी बार हो चुकी है, ये तो कई बार कर लिया इन्होंने, बताया तो मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा काम, ये तो कई बार कर लिया। क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरा प्लॉट है मुकुंदपुर डी ब्लॉक शुक्ला कॉलोनी के अंदर 51 गज का। मैं उस प्लॉट पे अपना कार्य कर रहा था, तो वहाँ कुछ व्यक्ति डेली की डेली गांजा सप्लाई कर रहे थे, गांजा समैक का काम धंधा काम कर रहे थे। मेरा अपना सामाजिक कार्य है, मेरा अपना एक फैमिली NGO है, माई फैमिली के नाम से, जो ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है। मैंने उनको कई बार मना किया, तो आज मैंने उनके मुख्य वारदात पर पकड़ा उनको कि तुम ये जो कार्य कर रहे हो वो गलत है। तो उन्होंने कहा हम तो काम करेंगे, तेरे बस की जो है ना वो कर लियो। उसके बाद वो लड़का चला गया, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। उसके बाद कम से कम 8 से 10 लड़के लेके आए, उसका छोटा भाई था रवि, और जो मौके वारदात पर जो बेच रहा था वो था गोलू, उसके पिताजी आए, आते के साथ रोड ले रखी थी और ये ईट ले रखी थी जो मेरे को उन्होंने सिर पे मारी, मेरे टाके आए 5, उन्होंने आते के साथ मेरे साथ मार पिटाई की और कह रहा पुलिस को हम पैसे देते हैं, थाना बलसवा डेयरी को, तेरी गांड में जो तुम है ना वो कर लियो, हम तो जो करना है ना वो करेंगे।
बाकी तेरे बस की रुकवा लिया, हम तो गांजा ही बेचेंगे, स्मैक भी बेचेंगे। ये लोग स्मैक का और गांजे का निंदा करते हैं जी, आपकी इसने आपने कभी कंप्लेंट करी है? जी जनाब मैंने कर रखी है, मैंने कंप्लेंट भी कर रखी है और मैंने कह भी रखा है कि जनाब हमारे एरिया के अंदर वहाँ पे चौकी इंचार्ज डीपी एंड कॉन्स्टेबल दीपक जी है, उनको भी कह रखा कि यहाँ पे पार्क के अंदर गांजे का सप्लाई हो रही है और ड्रग्स का काम हो रहा है स्मैक का। वो कह रहे हैं हम देखेंगे इन चीज़ को, मगर जनाब देखो यहाँ पे नई परवरिश जो पैड़ी जो चल रही है वो नशे की तालात पे चल रही है और नई पीढ़ी खराब हो रही है, चोरी चकारी में जा रही है इस चीज़ के लिए। हमारे यहाँ काफ़ी चोरी हो चुकी है प्लॉट के अंदर, बाकी पीठ वाले कह रहे हैं हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे। आज मैंने उनको मुख्य वार्ता से पकड़ा पर उन्होंने मेरे साथ ऊपर हमला किया, लड़के लेके आया 8-10 जिसमें से मैं अज्ञात व्यक्ति थे जिनको मैं जानता हूँ, एक रमेश था उसके पिताजी, एक उसका भाई था छोटे वाला रवि और एक गोलू जिनको मैंने देखा है जी। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस का अभी तक क्या 2-2.5 घंटे हो गए, पुलिस का कोई किसी भी तरीके का कोई मोटिव नहीं है, पुलिस मुझे लेकर भी नहीं आई। और जो आज आपके साथ घटना घटी है जी क्या है उसका मुख्य मुख्य वारदात में 8-10 व्यक्ति थे जो मेरे साथ अभी भी खड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे को आते के साथ मारा, उन्होंने छुड़वाया भी पर वो फिर भी नहीं माने क्योंकि उनकी अज्ञात जो उनकी तादाद थी ना वो हमारे से भी ज्यादा थी, उनके हाथ में हथियार थे। ठीक है कट। नाम बताइए। रीना। रीना जी क्या हुआ था? ये अकेला गया हुआ था प्लॉट पे, वहाँ पे कई बार एक बार पहले भी हो चुका है इसके साथ में, उससे झगड़ा कि ये काम मत करो अपने, ये गंदा संदा काम है। जैसा आप झगड़े की बात बता रहे हैं, झगड़ा किस बात पे होता है? यही गांजे को लेके दारू वगैरह को लेके होता है सारा। ये जैसे गांजे और दारू की आप बात कर रहे हैं, इसकी कभी आपने पुलिस को कंप्लेंट दर्ज कराई? कई बार भाई ने ही कराई है, यही जाता झगड़ा भी हुआ, पहले भी उसको डांटा था भाई ऐसे झगड़ा मत किया कर, साथ में ऐसे गंदे काम मत कर, जैसा ये सब मत बेच। जैसा आपने बताया कि भाई ने पहले भी गांजे और स्मैक को लेके कंप्लेंट दर्ज करे, पुलिस का क्या रवैया था? ऐसा पुलिस का तो भाई को पता है, बाहर भाई रहता, हम तो घर में रहते हैं, भाई को ही पता है आए तो नहीं आए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? भी है, हम तो ये सर फोड़ा भी इसके लिए, हम तो वो चाहते हैं उनका भी ऐसा ही कुछ हो, जैसे भी उन्होंने अकेले को घेरा है, अकेले को मारा है उन्होंने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक पुलिस नहीं आ ली इधर, क्यों नहीं आई? नहीं तो साथ आई है वो इतना।